अभी मैं आपको ये डिज़ाइन बुन करके बताऊंगी, आप देख सकते हैं ये इसका राइट साइड है और ये इसका रॉन्ग साइड है। दोनों ही साइड से दिखने में बहुत ही अच्छा लगता है, तो आप बोथ साइड यूज कर सकते हैं। और आप इस डिज़ाइन से शॉल और स्कार्फ भी बना सकते हैं। आप चाहे तो पूरे स्वेटर में डाल सकते हैं या स्वेटर के बॉर्डर में डाल सकते हैं। और इसे बनाने के लिए आपको फंदे रखने होंगे 8+2 के मल्टीपल में, और ये 18 रो का डिज़ाइन है। तो अब हम राइट साइड से रो 1 बनाना स्टार्ट करते हैं। और यहाँ मेरे पास टोटल 26 स्टिचेज हैं, यानी मैं भी आपको 26 फंदों पे डिज़ाइन बुन करके बताऊंगी। तो रो 1 बनाना हम राइट साइड से स्टार्ट करते हैं। शुरुआत में रो 1 में हमें सारे फंदे को राइट साइड से उल्टे ही बनाना होगा। और रो 1 में राइट साइड से सारे फंदे उल्टे बुलाने के बाद अब हम रॉन्ग साइड रो 2 में आ चुके हैं, और रो 2 में अब हम सारे फंदे को रॉन्ग साइड से सीधे बनाएंगे। और सारे फंदे को सीधे बुनते हुए हम रो 2 को कंप्लीट कर लेंगे। रो 2 में सारे फंदे रॉन्ग साइड से सीधे बुन लेने के बाद अब हम राइट साइड रो 3 में आ चुके हैं, और रो 3 में हम अगेन सारे फंदे को राइट साइड से सीधे ही बुनेंगे। और सारे फंदे को सीधे बनाते हुए रो 3 को भी हम कंप्लीट कर लेंगे। और रो 3 में सारे फंदे सीधे बुन लेने के बाद हम रॉन्ग साइड रो 4 में आ चुके हैं, और रो 4 में रॉन्ग साइड में हम सारे फंदे को अब उल्टे बुनेंगे। और इसी तरह से सारे फंदे को उल्टे बनाते हुए रो 4 को भी हम कंप्लीट कर लेंगे। और रो 4 में सारे फंदे उल्टे बुना लेने के बाद अब हम राइट साइड रो 5 में आ चुके हैं, और यहाँ से हमें रो 5, 6, 7 और 8 में रो 3 और 4 को ही रिपीट करना होगा। यानी हम सीधे साइड से सारे फंदे को सीधे बनाएंगे, और उल्टे साइड से सारे फंदे को हम उल्टे बनाते हुए रो 8 तक बुन करके कंप्लीट कर लेंगे। और रो 8 तक बुन लेने के बाद हम राइट साइड रो 9 में आ चुके हैं, और शुरुआत में हमें 4 फंदे उल्टे बनाना होगा। और उसके बाद यहाँ पे हमें इस वाले फंदे को, इस 2 फंदे को नीचे से उठा करके इस 3 फंदे को एक साथ बनाना होगा। बिल्कुल हम नीचे में देखेंगे, इस लाइन के जस्ट नीचे वाले 2 फंदे को हमें यहाँ से उठाना होगा। तो अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं रो 9 को। रो 9 में हम शुरुआत के 4 फंदे को उल्टे बुनेंगे, और यहीं से हम रिपीट भी स्टार्ट करेंगे। 1, 2, 3 और 4। 4 फंदे उल्टे बुन लेने के बाद उन हम पीछे की तरफ लेके जाएंगे, और बिल्कुल नीचे से इस 2 फंदे को हमें यहाँ से उठाना होगा। और उसके बाद इस वाले सलाई पे हम चढ़ा लेंगे, और इस 3 फंदे को एक साथ हम सीधा बना लेंगे। उसके बाद अगेन हम यही करेंगे, इस 2 फंदे को उठा लेंगे हम यहाँ पे, और इस 3 फंदे को हम एक साथ सीधे बना लेंगे। उसके बाद ऊन हम आगे की तरफ लेके आएंगे, और 2 फंदे हम उल्टे बनाएंगे, 1 और 2। और फर्स्ट टाइम रिपीट ख़त्म हो चुका है। अब हम फिर यहाँ से शुरू से बिल्कुल रिपीट स्टार्ट करेंगे। अब हम 4 फंदे फिर उल्टे बुनेंगे, 1, 2, 3 और 4। 4 फंदे फिर उल्टे बुन लेने के बाद ऊन हम पीछे की तरफ लेके जाएंगे, और इस 2 फंदे को हमें यहाँ से उठाना होगा। और उसके बाद इस 3 फंदे को हम एक साथ सीधा बना लेंगे। अगेन हम रिपीट करेंगे, इस 2 फंदे को हम उठाएंगे यहाँ से, और उसके बाद इस 3 फंदे को एक साथ हम बुन लेंगे। उसके बाद 2 फंदे फिर हम उल्टे बुनेंगे, 1 और 2। और सेकेंड टाइम रिपीट ख़त्म हो चुका है। अब अगेन हम रिपीट स्टार्ट करेंगे। 4 फंदे फिर हम उल्टे बुनेंगे, 1
दो, तीन और चार। चार फंदे उल्टे बुन लेने के बाद हम ऊन पीछे की तरफ लेके जाएंगे और इस दो फंदे को हम नीचे से उठाएंगे और उसके बाद इस तीन फंदे को हमें एक साथ पीछे की तरफ से सीधा बुनते हुए घटा लेना होगा। अगेन हम यहाँ से दो फंदे उठाएंगे और उसके बाद इस तीन फंदे को हम एक साथ पीछे की तरफ से सीधा बुनते हुए घटा लेंगे। और अब हम रो नाइन के एंड में आ चुके हैं और हमारे पास चार फंदे बच गए हैं। इस चार फंदे को उल्टे ही बुन लेना होगा, दो, तीन और चार। और रो नाइन इसी तरह से कंप्लीट हो चुका है। और रो नाइन में सभी फंदे बुन लेने के बाद अब हम रॉन्ग साइड रो टेन में आ चुके हैं और रो टेन में अब हमें सारे फंदे को सीधे ही बनाना होगा। तो इसी तरह से सारे फंदे को सीधे बुनते हुए रो टेन को हम कंप्लीट कर लेंगे। और रो टेन में सभी फंदे सीधे बुन लेने के बाद हम राइट साइड रो इलेवन में आ चुके हैं और यहाँ से हमें रो इलेवन टू सिक्सटीन यानी टोटल सिक्स रो हमें उल्टे साइड से सभी फंदे को उल्टे बनाना होगा और सीधे साइड से सभी फंदे को हम सीधे बनाते हुए रो सिक्सटीन तक बुन करके कंप्लीट कर लेंगे। और रो इलेवन टू सिक्सटीन बुन लेने के बाद अब हम राइट साइड से रो सेवेंटीन को बनाना स्टार्ट करते हैं। और रो 17 के शुरुआत में हमें इस तरह से दो फंदे यहाँ से उठाना होगा और उसके बाद इस तीन फंदे को हमें एक साथ पीछे की तरफ से सीधा बनाते हुए घटा लेना होगा। अगेन हम दो फंदे यहाँ से उठाएंगे और इस तीन फंदे को एक साथ हम बुन लेंगे। उसके बाद ऊन हम आगे की तरफ लेके आएंगे और छह फंदे फिर हम उल्टे बुनेंगे, एक, दो, तीन, चार, पाँच और छह फंदे उल्टे बुन लेने के बाद ऊन हम पीछे की तरफ लेके जाएंगे और फर्स्ट टाइम रिपीट ख़त्म हो चुका है। अगेन हम रिपीट स्टार्ट करेंगे शुरुआत से। तो दो फंदे को फिर हम यहाँ से उठाएंगे और तीन फंदे को एक साथ हम सीधा बना लेंगे। उसके बाद अगेन यहाँ से दो फंदे हम उठाएंगे और इस तीन फंदे को एक साथ हम बना लेंगे। अब हम छह फंदे फिर उल्टे बुनेंगे, एक, दो, तीन, चार, पाँच और छह। और सेकेंड टाइम रिपीट ख़त्म हो चुका है। अब अगेन हम रिपीट स्टार्ट करेंगे। दो फंदे यहाँ से हम उठाएंगे, उसके बाद इस तीन फंदे को हम बुन लेंगे। अगेन दो फंदे हम यहाँ से उठाएंगे उसके बाद अब हम छह फंदे फिर उल्टे बनाएंगे, एक, दो, तीन, चार, पाँच और छः। और अब हम रो 17 के एंड में आ चुके हैं। लास्ट में हमारे पास दो फंदे बच गए हैं तो उन हम पीछे की तरफ लेके जाएंगे और यहाँ से दो फंदे फिर हम उठाएंगे। और उसके बाद इस तीन फंदे को हमें एक साथ बुन लेना होगा। अगेन हम यहाँ से दो फंदे उठाएंगे और उसके बाद इस तीन फंदे को एक साथ हम बना लेंगे। और 17 कंप्लीट हो चुका है। और अब हम रॉन्ग साइड रो 18 में आ चुके हैं और रो 18 में हमें अब उल्टे साइड से सभी फंदे को सीधे बनाना होगा। और इसी तरह से सारे फंदे को सीधे बनाते हुए रो 18 को हम बुन करके कंप्लीट कर लेंगे।
और रो 1 to 18 बुन लेने के बाद ये डिज़ाइन कंप्लीट हो चुका है। और इसे कंटिन्यू बनाने के लिए हमें रो 3 to 18 ही रिपीट करना होगा। और जब हम शुरुआत में डिज़ाइन बनाना स्टार्ट करेंगे तो हमें बस एक बार ही रो 1 to 18 को बनाना होगा, और उसके बाद इसे कंटिन्यू बनाने के लिए हमें रो 3 to 18 को अगेन एंड अगेन रिपीट करना होगा। और इसी तरह से ये डिज़ाइन आगे बनते जाएगा। और आप इस डिज़ाइन को फैंसी लुक देने के लिए बीच बीच में मोती लगा सकते हैं या विदाउट मोती के भी बना सकते हैं। ये दोनों ही तरीके से बनने के बाद अच्छा लगता है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।